नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप नासिक के रहने वाले हैं, कोर्ट मैरिज या मैरिज रजिस्ट्रेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस वीडियो में मैंने सब कुछ कवर किया है, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नासिक में रहने वाले कपल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है पहले जानना कि प्रोसीजर क्या होता है, कौन से गवर्नमेंट अथॉरिटीज में मैरिज होता है या कोर्ट मैरिज करने के लिए कौन से गवर्नमेंट अथॉरिटीज में जाएं। उसके बाद मैं आपको डॉक्यूमेंट, फीस, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। पहले हम यहां से शुरुआत कर लेते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है। देखिए, दो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो ध्यान रखना है। पहला गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ये है कि अगर आपको स्पेशल मैरिज एक्ट में करना है शादी, इंटर रिलीजन करना है, एक धर्म से दूसरे धर्म में शादी करना है, तो आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना है और वहां पे आपकी यह शादी होगी। 30 से 60 दिन का समय लगेगा, घर पे नोटिस जा सकता है। दूसरा जो तरीका ये होता है कि आप शादी कर लो मंदिर में या निकाह कर लो या चर्च में चले जाओ। तो अगर आपने शादी कर लिया, शादी का आपके पास फोटो और विटनेस और साथ ही साथ आपके पास में जो है शादी का कोई डॉक्यूमेंट हो, जैसे सर्टिफिकेट वगैरह हो, तो आप अपने मैरिज को वहां के म्यूनिसिपैलिटी में रजिस्टर्ड करवा सकते हो और ये प्रोसेस आपका बहुत जल्दी हो जाता है, 7 से 10 दिन में हो जाता है। लेकिन अगर यही प्रोसेस आप खुद से करते हो, डॉक्यूमेंट की गलती हो गई, तो एक बार फाइल रिजेक्ट हो गया तो समझो कि आपका समय 1.5 से 2 महीना भी लग सकता है। लेकिन एक्सपर्ट के माध्यम से करते हैं तो अब 7 से 10 दिनों के अंदर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। और सबसे इजी तरीका यही होता है कि मैरिज करें और मैरिज रजिस्ट्रेशन करा लें तो आपका कोर्ट मैरिज कंप्लीट हो जाता है। अगर आप ये प्रोसेस ना फॉलो करके स्पेशल मैरिज एक्ट में जाते हैं तो उसमें लंबा टाइम लगता है और दोनों सर्टिफिकेट में किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं होता है। दोस्तों, अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है, आपकी एज पूरी ना हो, तो आप कोर्ट मैरिज या लव मैरिज या इवन मैरिज कर ही नहीं सकते। तो एज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। लड़कियों की शादी की एज 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए, लड़कियों की शादी की एज 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए और लड़कों की शादी की एज 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। जब वो 18 वर्ष कंप्लीट करते हैं, 21 वर्ष कंप्लीट कर लेते हैं, तभी मैरिज हो सकता है। अगर कभी भी एज को लेकर कोई मॉडिफिकेशन आता है तो आप हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट करते रहिए, ताकि वहां पर अगर एज को लेकर के गवर्नमेंट कोई चेंज करती है, जैसे लड़कियों की शादी की एज को लेकर के चेंज हो सकता है, उसमें कोई परिवर्तन होता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर सके। तो दोस्तों, कोर्ट मैरिज में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो डॉक्यूमेंट के लिए होता है। तो डॉक्यूमेंट को ठीक से आपको समझना है। सबसे पहले आपका रेजिडेंस प्रूफ, उसके लिए जरूरी होता है आधार कार्ड। आधार कार्ड आपके पास में जरूर होना चाहिए। और दूसरा जो होता है वो होता है आपका बर्थ प्रूफ। बर्थ प्रूफ में या तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास में 10th की मार्कशीट होना चाहिए। अगर 10th की भी मार्कशीट नहीं है तो आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट होना चाहिए। इन चारों में से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है तो बर्थ प्रूफ के लिए कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा जो तीसरा डॉक्यूमेंट होता है वो डॉक्यूमेंट होता है आपका आईडी प्रूफ, चाहे आपके पास पैन कार्ड हो या फिर आपके पास वोटर आईडी हो। और अगर दोनों में से कुछ नहीं है और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपके पास गवर्नमेंट से इशू किया हुआ अगर आई कार्ड है तो वो भी चलेगा। अगर डॉक्यूमेंट आपके पास कम है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे जरूर बात करिए और आपके केस को देख करके हम गाइड करेंगे। एक कपल के दिमाग में जो सबसे बड़ी दुविधा होती है वो प्रोटेक्शन को लेकर के होती है कि अगर मैंने कोर्ट मैरिज किया तो शादी से पहले, कोर्ट मैरिज से पहले और कोर्ट मैरिज के बाद मुझे किस तरह से प्रोटेक्शन मिलेगा और उस प्रोटेक्शन के लिए मेरे पास लीगल क्या गारंटी अवेलेबल है। तो मैं आपको बताऊं कि देश का संविधान सबसे ऊपर होता है और संविधान के आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो देश के नागरिकों का फंडामेंटल राइट सुरक्षित करे। और हाई कोर्ट के को आर्टिकल 226 के तहत यह अधिकार है कि वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करे। तो शादी करना, कोर्ट मैरिज करना आपका एक मौलिक अधिकार है। आप किस व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं यह तय करने का अधिकार बिल्कुल आपका है। तो अगर आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो हम 3 स्टेप्स में आपको वो प्रोटेक्शन दिलाते हैं। पहला स्टेप तो ये होता है कि हम आपके लिए शादी के दौरान ही
लड़की से एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट साइन करवाते हैं जो एफिडेविट पे होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा इंटीमेशन लेटर भिजवाया जाता है, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन कराया जाता है, और ज़रूरत होता है तो हाई कोर्ट से भी प्रोटेक्शन लिया जाता है। ये सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको प्रोटेक्शन को लेकर के किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। अगर आपके मन में अभी भी कोई संदेह है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर 8 बजे तक, या हमारी वेबसाइट है leadindia.law, आप उस पर विजिट कर सकते हैं। विजिट करके जो हमारे लॉयर हैं उनसे तुरंत आप सवाल पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस, लीगल वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।